हार्ट मेरिडियन का हम ड्राइनेस एनर्जी का पॉइंट देख रहे हैं H4, सो H4 इज फॉर द ड्राइनेस ऑफ हार्ट, हार्ट की ड्राइनेस के लिए ये उसका मेटल का पॉइंट है। किन दो चीजों में यूज होता है? इंपॉर्टेंटली हमने देखा डिप्रेशन में काफी अच्छा पॉइंट है, इसी के साथ में हमने देखा फोबिया में। फोबिया मतलब यहाँ पे कौन सा कहा है, एनी टाइप ऑफ फोबिया इन एनी एज, ठीक है। जब सिर्फ फोबिया लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ये किसी भी उम्र में होने वाला फोबिया हो सकता है और ये किसी को भी होने वाला फोबिया हो सकता है, ठीक है। अब फोबिया, पानी से फोबिया, मतलब फोबिया मतलब यार डर लगना, जो कहते हैं ना लोग कि नहीं उसको उस चीज से डर लगता है, ऊंचाई से डर लगता है, कहीं गहराई में चले गए वहां से डर लगेगा, पानी से डर लगना, आग से डर लगना, पढ़ाई से डर लगना, परीक्षा से डर लगना, परीक्षा में जाने से डर लगना, स्टेज फियर, स्टेज पे जाके लोगों के सामने खड़े होके बात करना, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके आपके जीवन में। ये चीजें बताती हैं कि आप कितने सोशल हैं नहीं हैं, ये बाद में आता है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले ये चीजें बताती हैं कि आपकी हार्ट की कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो मैंने कल भी कहा था जैसे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को तो प्लीज ऑब्वियसली कभी नहीं डराना चाहिए, कभी नहीं डराना चाहिए, बच्चे डरे ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी चाहिए, खेल खेल में क्यों ना हो, ये उनके शरीर पे बहुत बुरा इफेक्ट करता है जो आप तभी नहीं समझ सकते, लेकिन ये बढ़ती उम्र में बाद में जाके इसके काफी बुरे रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं फोबिया H4 पॉइंट, इसके साथ में और कुछ हार्ट के पॉइंट्स भी मैं आपको दिखाऊंगा जो हमने इसके पहले बात की। देखिए हार्ट कहाँ के लिए आता है, हार्ट से रिलेटेड और कौन कौन सी कंडीशंस होती है, हकला के बोलना, रुक रुक के बोलना, उसी को हम हकला के बोलना कहते हैं। स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो तो, स्पीच मतलब जो आप बोल रहे हो, जो शब्द मुंह से बाहर निकल रहे हैं, अगर इसमें कोई गड़बड़ी है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, वहां पे अगर आपके शब्द सामने वालों को समझ में नहीं आते हैं, या आप थोड़ा मराठी में जिसे बोबड़ा कहते हैं या हिंदी में हम तोतला कहते हैं, या वर्ड्स वहां पे अंडरस्टैंड नहीं होते सामने वाले, ऐसी कोई चीज हो, ठीक है, तो बोल ना पाना, ढंग से बोल नहीं पा रहे, या काफी बार ऐसा होता है कि आप एक लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन के बाद या पैरालिसिस का अटैक जाने के बाद भी आप देखते हैं कि आवाज साफ नहीं है। देखिए कारण कुछ भी हो सकता है, मैं दो चीजें यहाँ पे बता रहा हूं, एक है फोबिया आपका, दूसरा स्पीच से रिलेटेड। तो अगर आपकी स्पीच मतलब आवाज, अगर आपकी आवाज साफ नहीं है, लो है, बिल्कुल समझ में नहीं आती सामने वाले को, या आप नहीं बराबर से बोल पा रहे हैं, या डर के मारा नहीं बोलते, काफी बार होता है, देखिए फोबिया यहाँ पे भी उसका रिलेट करता है कि डर के वजह से आवाज चली गई, किसी शॉक के वजह से आवाज चली गई, ऑपरेशन के बाद कोई एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन हुआ है या लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन है, उसके बाद आपकी आवाज चली जाए, या पैरालिसिस के पेशेंट्स हम देखते हैं कि बाकी सब सब ठीक हो जाता है, उनका हाथ पैर ठीक हो जाएगा, चलने फिरने लगेंगे, मुंह में जो पैरालिसिस हुआ था वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पूरा शेप नॉर्मल होने के बाद भी आवाज साफ नहीं होती है, तो इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। या फोबिया वालों को क्या करना है, एग्जाम फोबिया है, दोनों के लिए ट्रीटमेंट सेम है, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, सामान्य सा है, ध्यान से देखिए उस इसमें क्या करना है। सबसे पहले लोकेशन देखेंगे हम H4, 5, 6, 7, ठीक है, इन चार पॉइंट्स की, तो 4 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, 7 तक आएंगे, ये चारों पॉइंट्स इन सारी चीजों में आते हैं, नाम अलग अलग भले हो जाएं, चारों पॉइंट्स इन सारी चीजों में आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं लोकेट करना। ये आपका हाथ है, ये आपका हाथ है, ये आपकी स्मॉल फिंगर है, छोटी वाली उंगली है आपकी, सो व्हेन यू आर कमिंग डाउन फ्रॉम योर स्मॉल फिंगर अवे फ्रॉम थम, नॉट टुवर्ड्स थम, अवे फ्रॉम थम आना है, ऑन यिन पोर्शन, यिन पोर्शन में ही आना है, जो आपका ये सफेद वाला हिस्सा है इसको हम यिन पोर्शन ऑफ द हैंड कहते हैं, ठीक है, दिस इज ओन इज अ यांग पोर्शन, राइट, सो दिस इज यांग, दिस इज यिन, यिन पोर्शन पे हम क्या करेंगे, हम वहां से नीचे की तरफ उतरेंगे, कहां से, स्मॉल फिंगर से आप नीचे की तरफ आते हो, जहां पे आपका रिस्ट ये बेंड होता है ना, दिस इज योर H7, नेक्स्ट फिंगर H6, नेक्स्ट फिंगर H5, नेक्स्ट फिंगर H4, देखिए ये सारे यांग इन साइड में ही है, अभी भी मेरा गोरा वाला हिस्सा दिख रहा है आपको हाथ का,
ये सारे कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए। सो जो थेरेपिस्ट हैं वो क्या कर सकते हैं, दे कैन डू अप्लाई क्लस्टर्स ओवर हियर। अगर आपके पास चार क्लस्टर है, आप यहाँ पे चार क्लस्टर लगा सकते हो, लेफ्ट में भी लगाओगे तो भी काफी है। अगर आपके पास उतने क्लस्टर्स हैं, यहाँ पे आठ क्लस्टर्स लगेंगे, चार ही साथ में, चार ही साथ में। सो आप आठ क्लस्टर्स भी लगा सकते हो, तकलीफ कैसी उस हिसाब से, अदरवाइज एक हाथी काफी हो जाता है। काफी सारे क्लेसेस देखी है हमने की है। सो ये फोर फिंगर्स पे ये फोर क्लस्टर्स आ गए आपके, इट विल बी इनफ। अदरवाइज यू कैन अप्लाई मटर ओवर हियर। अगर आप पेशेंट को रिकमेंड कर रहे हो कि वो घर पे लगाए, तो जैसे आप यहाँ की पट्टी बनाते हो, यहाँ की पट्टी बनाते हैं हम लंबा पेन के लिए मटर पट्टी, वैसे ही यहाँ पे एक चार सीट्स की मटर पट्टी बना के उनको यहाँ पे लगा के दे दीजिए, उनको दिखा दीजिए कैसे लगाना है। पेशेंट अगर दूर रहता है, खुद का खुद लगा लेगा, ठीक है। अब उससे भी अब ये तो करना ही है आपको, लेकिन समझिए जैसे स्टेज फियर है अब, या एग्जाम फोबिया, या काफी सारे बच्चे सिर्फ एग्जाम्स के पहले बहुत होशियार होते हैं बच्चे, एग्जाम के पहले नहीं, मतलब बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, सब कुछ याद होता है, सब कुछ पता होता है, हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होता है, लेकिन सिर्फ एग्जाम का फोबिया इतना होता है कि उस डर के वजह से सब कुछ भूल जाते हैं। और जब एग्जाम में बैठते हैं तो जो उनको 100 out of 90 मार्क्स का पता था, 100 out of 100 जिसको पता था, वहां पे सिर्फ 40-50 मार्क्स का लिख के आता है। ये क्यों होता है, ये फोबिया की वजह से होता है। या क्या होता है, बच्चे काफी बार होता है, मैंने देखा हुआ है, मेरे जब 10th के एग्जाम से मेरा एक फ्रेंड था, मेरे साथ रहता था, तो छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वहां पे हम साथ में बैठे थे क्लासरूम में, और मैं लिटरली पेपर लिख रहा था, जबकि इन पेपर्स की प्रैक्टिस आपकी स्कूल में कराई जाती है, लेकिन सिर्फ किसी और सेंटर पे जाके, किसी और सेंटर पे जाके, वहां पे जाके आपको एग्जाम्स देने हैं। तो और एक 10वीं का एग्जाम, बाप रे, 10th का एग्जाम है, मैट्रिक का एग्जाम है, 10वीं का एग्जाम, 10वीं का एग्जाम करके इतना उसको डरा दिया गया था कि जब वो लड़का गया वहां पे, जब बंदा आया वहां पे बैठा, सब लोग हम लोग एग्जाम लिख रहे थे, हम लोग करीब 8-10 स्टूडेंट्स का हमारा ग्रुप था हमारे स्कूल से, बट दैट बॉय वॉज सच ए जीनियस बॉय, इतना स्मार्ट लड़का था, इतना जीनियस लड़का था, लेकिन लिटरली फर्स्ट हाफ एन आवर ही वॉज जस्ट होल्डिंग अ पेन, उसका हाथ हिल रहा था और वो डर के मारा बैठे हुआ। ये सिर्फ पहले पेपर को हुआ, एट द वेरी फर्स्ट डे सिर्फ ये हुआ, उसके बाद से उसने सारे अपने एग्जाम्स अच्छे दिए, लेकिन उसका वो हाफ एन आवर वेस्ट हुआ, एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट उसके मार्किंग्स में काफी ज्यादा डिफरेंस हुआ, जो उसको बाद में काफी ज्यादा डिप्रेस वगैरह वाली सिस्टम हो गई थी उस इसके लिए। बच्चों में ये चीज बहुत खतरनाक होती है। सेकेंडली, आप किसी भी उम्र के हो, लोगों के सामने बात करने से डर रहे हो, स्टेज पे जाने से डर लगता है, लोगों के सामने अपनी चीज बोलने से डर लगता है, बहुत कुछ है आपके पास बोलने के लिए, बताने के लिए, लोगों को ये करने के लिए, लेकिन उस इसमें क्या होता है, हम नहीं कर पाते। अब जैसे ही आप ऊपर चढ़ते हो, आप माइक के सामने आ जाते हो, माइक आपके सामने होता है और आपका ये होने लगता है, ये क्या हो गया, ये भी बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। नर्वसनेस कहते हैं इसे, डायरेक्टली आपके नर्वस पे भी अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। नर्व सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेन से पूरे बॉडी को चलाती है। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं लोगों के, समझ में नहीं आता। तो इन कंडीशंस से बचने के लिए, इन सारे फोबिया से बचने के लिए, आवाज से रिलेटेड इशू है, फोबिया है, किसी भी चीज का डर है, फोबिया डर, तो किसी भी चीज का डर है, फोबिया है, एग्जाम का फोबिया, कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी, क्या करना है, स्पेशली जो आप एग्जाम में जा रहे हैं या स्टेज पे जा रहे हैं, तो उनको सिर्फ ये एक एक्सरसाइज करनी है, एक मसाज करना है जो मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, या जिनकी आवाज से, स्पीच से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको ये चीज दिन में 2 बार करनी चाहिए, कम से कम 10 मिनट के लिए कीजिए। कैसे करना है, ध्यान से देखिए, मैं वापस बता रहा हूँ, वापस नहीं, मैं अभी पहली बार ही बता रहा हूँ, वापस लोकेशन बता रहा हूँ। लोकेशन कैसे बताया मैंने, स्मॉल फिंगर से, स्मॉल फिंगर से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे ही यहाँ पे आपका रिस्ट बेंड होती है, देखिए मैं यहाँ पे उंगली हटा ले रहा हूँ, रिस्ट मेरी जहाँ बेंड हो रही है, ये मेरे हाथ का सीधा हिस्सा है, कैमरा मेरे थोड़ा बगल में है ताकि मेरे चेहरा दिखे, तो ये ठीक इस तरफ है, ठीक है, तो ये सामने का हिस्सा है, ये स्मॉल फिंगर के ठीक नीचे आ गया H9। जिन लोगों को इसका एग्जैक्ट लोकेशन देखना है, मैं अभी आपको कल PDF दे चुका हूँ, उस पर होगा ऑलरेडी, इफ इन केस अगर आपको वहां नहीं मिलता है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको, फोटोज में भी दिखा रहा हूँ कहाँ है, तो ये फोर फिंगर्स पे आता है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट फिंगर ही लगाओगे ना, इतना डिप्रेशन मिलेगा यहाँ पे, और एक तरफ बोनी पार्ट मिलेगा, एक तरफ मस्कुलर पार्ट है, एक तरफ ये नरम वाला हिस्सा मिलेगा, एक तरफ हड्डी वाला हिस्सा मिलेगा, तो ठीक उसके बीच में आता है रिस्ट ज्वाइंट पे, ये आपकी रिस्ट ज्वाइंट है, इस रिस्ट ज्वाइंट के ठीक नीचे, इस फिंगर में,
या आधा उसी इस पे आ जाता है, ये है आपका H7। पहला पॉइंट इतना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसको होल्ड कर लिया तो बाकी के 6, 5, 4 चारों पॉइंट एक जैसे एक जगह पे आ गए हैं और काफी आसानी से आ गए। देखिए मैं थोड़ा हाथ को ऊपर उठा लेता हूँ, दिख रहा है? तो ये अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको H4 से H7 के डिरेक्शन में आपको मसाज करना है। वन वे मसाज होगा ये, इसको रिवर्ट नहीं करना है, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है। ठीक है, बारिश बहुत तेज हो रही, थोड़ी उमस हो गई। ठीक, यहां से ऊपर की तरफ जाना है। कैसे करेंगे आप? घी होगा, थोड़ा घी ले लीजिए, या आप नारियल का तेल भी यूज कर सकते हो, आप मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो, कोई भी चीज यूज करता है। क्यों करना है? क्योंकि आपको यहाँ पे मसाज करना है, आपको अपने हाथ से ही यहाँ पे मसाज करना है। अगर पेशेंट खुद इस हालात में नहीं है कि खुद ये मसाज कर पाए तो इसको कोई भी कर सकता है। चीजें क्या रखनी है याद, फर्स्ट थिंग पॉइंट्स का लोकेशन, सेकेंड थिंग द वे यू आर गोइंग टू मसाज, किस डिरेक्शन में, इन विच डिरेक्शन। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम H4 to H7, H4 से हार्ट के 4 नंबर पॉइंट से स्टार्ट करते हुए 7 की तरफ जाना है, 7, 6, 5, 4, और इसे इस डिरेक्शन में आपको यहाँ पे मसाज करना है। यू, जिनको एग्जाम फोबिया है, एग्जाम को जाने के पहले आप वहां आराम से बैठ जाओ इसको, या स्टेज फियर है या कोई भी फियर है, आपको डर लगता है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे मसाज करना है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। मैं अंगूठा ऊपर ले जा रहा हूँ, रोक रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा हूँ, मैंने हाथ इस तरफ नहीं घिसा है, मैं सिर्फ एक तरफ घिसूंगा हटाऊंगा, एक तरफ घिसाऊंगा हटाऊंगा, फिर नीचे से शुरू ऊपर, नीचे से शुरू ऊपर, ये एक ही डिरेक्शन में होगा। ये क्या हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना समय देके क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज ऑल्सो अगेन वन ऑफ द इमरजेंसी कंडीशन होती हैं ये काफी सारे। ठीक है, जो व्यक्ति अचानक आवाज चली जाए या पैरालाइज हो जाए या बीमारी के कारण नहीं बोल पा रहा है, या जो सालों से हकला के बोल रहे हैं, या जिनकी स्पीच साफ नहीं है, जो साफ साफ शब्दों को नहीं बोल सकते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सिचुएशंस होती है, और आपको आप नहीं सोच सकते आप कितनी मदद कर सकते हो किसी की। क्या करना है, इन जस्ट वन डिरेक्शन कितना समय करना है, दिन में 2 बार करना है, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। ठीक है, बाकी के समय क्या करेंगे, रात को सोते समय या दिन के समय जब आप काम में वगैरह हो, यहाँ पे 4 क्लस्टर्स लगा लो, 4 क्लस्टर्स लगा सकते हो आप, या 4 आप यहाँ पे मटर के दाने लगा सकते हो। क्लस्टर्स आप सब लोगों को पता होंगे, क्लस्टर्स कैसे होते हैं, जिनको नहीं पता है पे सीधे में रखेंगे। ये क्या है, ये आपके क्लस्टर्स है, ठीक है, ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे आपको, और अगर नहीं अवेलेबल होते कोई इशू नहीं है, क्लस्टर्स की जगह पे आप मटर कर सकते हैं, सो यू कैन यूज योर मटर हियर। सॉरी सूरज जी, आपका आवाज बंद कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो लगाना है या मसाज करना है, सिंपल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ये ट्रीटमेंट की है, ट्रीट किया है, देखा है, और बहुत अच्छे रिजल्ट। आप भी यूज कीजिए, आप भी इसको लगाइए, और इसको आप फ्रेंड्स को, फैमिलीज को भी सजेस्ट कीजिए, और आप उसको डेफिनेटली फीडबैक्स जरूर दीजिएगा मुझे। जी बोलिए, कहाँ गए? इसमें मसाज की डायरेक्शन नीचे से ऊपर कैसे बताई थी सर? नीचे से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऊपर की तरफ जाना है। अभी अनिल सर ने हमको दिखा लगाए हुए, ये सीधा लोकेशन है इसका, ये स्ट्रेट लोकेशन है, उन्होंने बराबर लगाया था, ऊपर वाला बराबर था ना, वो मसाज वाला बताया ना था आपने, अंदर आ गया था जी, जो मसाज वाला आपने बताया था, कोई मसाज वाला मसाज वाला बताया था ना, नीचे से ऊपर कैसे बता रहे, ये मसाज वाला ही बता रहा हूँ मैं आपको, मसाज वाला ही बता रहा हूँ, मुझे लगता है आप कहीं देख रहे हैं शायद, आप देख लीजिएगा वीडियो में, क्योंकि मैंने उसके सारे लोकेशंस के साथ बताया मसाज कैसे करना है, तो आप रिपीट करने का समय नहीं है, ऑलरेडी हमारे 4:30 हो गए हैं, नहीं मैं देख लिया, लास्ट का टाइम है, आप देख लीजिए लास्ट वाला जो वीडियो है, स्पेशली उसी के लिए मैंने, थैंक यू। ठीक है, इसको क्योंकि सर एक क्वेश्चन पूछना है, या सर प्लीज कंटिन्यू सर, या देखिए, हाँ अभी हाथ में, हाँ बराबर बोन आ रहा है, यहाँ एक बोन आ रहा है, तो यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा जो पहला लिया, यहाँ एक बोन, राइट राइट पहला, ये परफेक्ट
परफेक्ट परफेक्ट वेरी गुड। ये चारों फिंगर्स के नीचे आपके चारों ही आ गए। मैं आपको इमेज में भी दिखा देता हूँ ये कैसे दिखेंगे। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। हाँ देखिए बराबर पकड़ा था अभी आपने, काफी आसान है। इसमें देखिए ये ऐसी चीजें हैं कि इनको मैं तो कहता हूँ लिटरली घर में कि आपके बच्चे भी कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। इसके नेक्स्ट वाली इमेज में देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हाँ देखिए ये इमेज दिख रही है आपको यहाँ पे, ये रहा आपका यहाँ पे H4 से लेके H7 दिख रहा है यहाँ पे आपको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस सर। देखिए यहाँ पे है, सीधे डायरेक्शन में होंगे, एक डायरेक्शन में होंगे नीचे की तरफ। ये क्या हो गया, ये है आपके H4, 5, 6 एंड 7। ओके सुरेश जी, डॉक्टर राम, एम आई क्लियर सर? ये लोकेशन आ गए हैं आपको समझ में? यस सर, वेरी वेरी क्लियर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सर। सो ये सेम ये है हाथ पे जो लोकेशन है, उसलिए मैंने सिर्फ जानबूझ के यहाँ पे चार बार बताए, क्योंकि ये मोस्टली ये हो जाता है कि मिस्टेक्स हो जाती है इनको यहाँ पे देखने में। आप सब लोग अपने अपने हाथों पे देख सकते हैं, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, आप चाहते हैं पूछना, तो मैं कहूंगा कि आप प्लीज मेरे लिए थोड़ी मदद कर दीजिए। आप लोग फोटोज निकाल के उसके ग्रुप में डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, आप इनको किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, छोटे बच्चे से लेके हर किसी के लिए यूज कर सकते हो, बूढ़े आदमी तक, कोई भी हो, जब भी स्पीच से रिलेटेड कोई इशू होगा। क्योंकि अब हो रहा है हमारा 4:30 का समय, मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास की मुझे तैयारी करनी है। जो भी है शाम वाली क्लास में 5 बजे वाली में, यू विल रिसीव द लिंक्स, आपके ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे, प्लीज जॉइन इट। सपना जी प्लीज गो अहेड। सर कैन वी अप्लाई H9 मेथी सीड ऑयल फॉर H9? या यू कैन अप्लाई मेथी सीड्स ऑन H9, बट ओनली इन दोस कंडीशन व्हेन यू नीड इट। ठीक है, बिकॉज इट्स इमरजेंसी पॉइंट्स, इसको हम हर एक इसमें यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हर एक इसमें यूज नहीं करते हैं हम, सो इन इमरजेंसी कंडीशंस ओनली यू कैन यूज दैट। या दूसरे इसमें आप H9 कब यूज कर सकते हो, स्पेशली देखिए बच्चों के लिए, जब पढ़ाई करने बैठते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं कि याद नहीं रहता, सो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है, और जो पढ़ा है उसको अच्छे से याद रखना है, मेमोराइज करना है, तो उसके लिए भी H9 बहुत अच्छा पॉइंट्स है। जिनके भी मम्मी पापा यहाँ पे, दादा दादी जो भी बैठे हुए हैं, या आप खुद भी यूज कर सकते हो, हम लोग भी खुद भी जब अपनी स्टडीज में बैठते हैं हम H9 लगा के बैठते हैं। सो जब भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उतना देर क्या करना है, पढ़ाई करते समय यहाँ पे आपको स्मॉल फिंगर के इनर साइड में यहाँ पे H9 आता है आपका, यहाँ पे क्या कर लीजिए, एक मेथी सिंपल से लगा लीजिए, बैठ जाइए, पढ़ाई कर लीजिए, जैसे आपकी पढ़ाई खत्म हो जाती है उसको निकाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ये बहुत पेनफुल हो जाता है, वो आपको रोज लगाना है, उस कंडीशन में आप उसको वहां पे कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।